होगा। स्वामी जी आप इतना दिन से ये राजपाट चला रहे हैं और मैं आपके साथ में जब से विवाह करके आई हूँ, मेरे मन में ये तमन्ना है कि मैं कुछ दिन अपने नाम से इस राजपाट को चलाना चाहती हूँ। अरे महारानी, तुम भी अजीब सी औरत हो, तो इतनी छोटी मोटी बात के लिए मेरे साथ सच करवाई। हाँ, तुम्हें सोचना चाहिए था, ये हिमाचलपुर शहर मेरे नाम से और तुम मेरी पत्नी। बिल्कुल, पत्नी होने के नाते इस राज्य में तुम्हारी भी अधिकार है। क्यों नहीं? खुदा न खास ये राजपाट तुम्हारे नाम कर दिया और मैं तुम्हारा पति हूँ, पति होने के नाते इस राज्य में मेरा भी अधिकार होगा। स्वामी जी, इसीलिए मैं तो अपना भाग आजमाना चाहती हूँ कि मेरे भाग में क्या है या नहीं है। तो महारानी, मैं हर दुख को बर्दाश्त कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन मैं अपनी महारानी के दुख अपने नजरों से नहीं देख सकता हूँ। तो ठीक है स्वामी जी, अरे मंत्री जी को भेजिए, स्टंप पेपर मंगाइए। अरे मंत्री जी महाराज, जा अपने महल से स्टंप पेपर ले आओ। जी महाराज, हम साथे साथ लेकर चलते हैं। साथे साथ स्टंप पेपर मतलब समझा नहीं? स्टंप पेपर तक वो कहाँ है? साथ में है, एक हाथ में डंडा है, क्या ला है अभी दिखा रहे हैं। चलो स्टंप पेपर। स्टंप पेपर है जी महाराज, किधर लिखेंगे? इधर से लिखिए। हाँ, और इधर से देखिए, आपका पूरे खानदान झलकेगा। देखो मायो बाप झलके। बताओ कि इस गांव में मेरा खानदान किस लिए आएगा? चलिए बताइए महाराज। चलो लिखो, हिमाचलपुर शहर की 14 कोस के राज, हिमाचलपुर शहर की 14 कोस की राज, कंचनगढ़ महल, हाथी हथसार, घोड़ा घोड़सार, मंत्री दीवान हम, तब की तुम्हारा बाबू मंत्री दीवान, नौरी बानी, लेटरिंग रूम, मुर्गी फार्म, कबूतर का भौंरी, आज दिनांक 26, महीना सात, 2023। आज से इस राज में जो भी हुक्म चलेगी, महारानी की चलेगी, सिर्फ महारानी जी के चलेगी, कोई बेटा का कुछ नहीं चलेगा। ये स्टॉम पेपर से इसमें बेटा बेटी की जरूरत नहीं है। बाबू दल दल लिखा है, दस्तखत लीजिए। पांच आदमी से तुम लीजिए, मैं दस्तखत करवा लो। इसको दस्तखत करवाएंगे हम बाद में, पहले अलमारी में बंद करेंगे, काम होने के बाद इसमें टिप्पा लगवा देंगे। लेकिन महारानी, जिस दिन तुम्हें इस महल में शादी करके लाया था, उसी दिन तुम्हारे साथ मुझे सुहागरात मनाना चाहिए था। बिल्कुल, लेकिन दारू शराब के चक्कर में कुछ नहीं सोचा समझा कि पत्नी क्या होती है और पत्नी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। हाँ स्वामी जी, लेकिन आज जो तुम ये हिमाचलपुर सर अपने नाम से करवाई, आज मैं तुम्हारे ऊपर बेहद खुश हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मेरी महारानी बिल्कुल उत्तम विचार की है, बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र है। क्यों नहीं, आज खुशी के मौके पर मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने के लिए चाहता हूँ। अब बताओ कि इसमें तुम्हारी क्या विचार है? स्वामी जी, जो आपके मन में है वही बात भी मेरे मन में है। तो तुम्हारा भी दिल में है कि मैं